नमस्कार दोस्तों, सोच का दायरा इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सन्ज़ुकी युद्धकला का चौथा अध्याय देखेंगे जो है सेना की शक्ति और उसकी स्थिति। अजेय बनिए। पुराने जमाने के महान योद्धा हमेशा दुश्मन की सेना में खामियां ढूंढकर उसी पे हमला किया करते थे, यानी दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाते थे। जब शत्रु की सेना बड़ी होती है और शत्रु शक्तिशाली है तो युद्ध मैदान में खुद का बचाव पहले कीजिए। शत्रु आपको हमला करने का मौका खुद ही देगा। वो जीत किस काम की जिसमें आधी से ज्यादा आपकी सेना खत्म हो जाती है और आपकी जीत की खुशी से ज्यादा आपके राज्य में मरने वाले सैनिकों का मातम मनाया जाता है। इसीलिए सन्ज़ु कहते हैं कि अजेयता यह संरक्षण में होती है और जीत की संभावना आक्रमण में होती है। स्वयं की रक्षा करना भी युद्ध कला का एक नियम है। स्वयं की रक्षा करना भी युद्ध कला का एक नियम है। लड़ाई किए बिना ही जीतना। सन्ज़ु कहते हैं कि आक्रामक युद्ध में जीत हासिल करना या फिर हर युद्ध में पहले ही जीत निश्चित कर लेना आपको युद्ध कौशल में महान नहीं बनाता। जब आप लड़ाई जीत कर आते हैं और सारा साम्राज्य आपकी जय जयकार कर रहा होता है, ये चीज भी आपको एक महान सेनापति या सैनिक नहीं बनाती। पुराने जमाने में जो युद्ध नीति में कुशल लोग थे उन्होंने अपने उन्हीं दुश्मनों को हराया जो हार सकते थे। युद्ध में कुशल लोग अपनी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल ना करते हुए लड़ाई को जीत लेते हैं। युद्ध के बाद ना उनके बहादुर के किस्से मशहूर होते हैं ना उनकी समझदारी की वाहवाही होती है। वो हर लड़ाई बिना कोई गलती किए जीत लेते हैं। शत्रु की गलतियों का फायदा उठाते हैं और हारे हुए शत्रु को हराते हैं। समझदार सेनापति हमेशा अपनी सेना को पहले रक्षित करता है फिर दुश्मन की गलतियों का फायदा उठाता है। इसका ऐसा भी मतलब निकाला जा सकता है कि विजयी सेना पहले अपनी जीत निश्चित कर लेती है तभी लड़ाई कर लड़ती है। जीत निश्चित नहीं तो पर्याय स्वरूप युद्ध नहीं। युद्ध साधनों पर नजर बनाए रखने के लिए जानकारी का उपयोग करना। युद्ध कला कुछ घटकों से चलती है, जैसे दूरी का अंदाजा लगाना, शत्रु की सेना की मात्रा का अनुमान लगाना, शत्रु की संख्या की गणना करना, दोनों की शक्तियों की तुलना करना। जो शक्तिशाली और बड़ी सेना होती है वो ज्वालामुखी की तरह अपने शत्रु पर टूट पड़ती है और छोटी सेना अपना बचाव करती है। यही चीज सेना की शक्ति और स्थिति दर्शाती है। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह ही अपने सोच के दायरे को सकारात्मक तरीके से बढ़ाने में यकीन रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।